हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मीडिया। फ्रेंड्स, माय नेम इज गुलशन झा और मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी पीजी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने एम्स टू पीजी 2019 एग्जाम क्वालिफाई किया और वो अपना पीजी कोर्स एम्स इंस्टीट्यूशंस में से करना चाहते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की थर्ड राउंड काउंसलिंग ऑलरेडी ओवर हो चुकी है और वैकेंट सीट्स सरेंडर कर दी गई है। एम्स पीजी 2019 की 232 वैकेंट सीटों को भरने के लिए ओपन काउंसलिंग 25th ऑफ फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने एम्स का रजिस्ट्रेशन कराया है और एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और इस काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं, उन्हें 25th ऑफ फरवरी को सुबह 9:30 बजे जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम एम्स न्यू दिल्ली में रिपोर्ट करनी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि 232 खाली सीटों को भरने के लिए टोटल 2,452 स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें एसटी कैटेगरी में से 60 स्टूडेंट्स और एसटी कैटेगरी में से 244 स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। एक और नोटिस मैं आपके ध्यान में डाल देना चाहता हूं, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और इस काउंसलिंग में एसटी की पूरी सीटें नहीं भरती है, कोई सीट खाली रह जाती है, तो वो एससी को ट्रांसफर कर दी जाएगी और वाइस वर्सा अगर एससी की कोई सीट खाली रह जाती है तो वो एसटी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक ये मैसेज पहुंच सके और प्रेस द नोटिफिकेशन बेल कि आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।